नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, शासन प्रशासन में उच्च पद की प्राप्ति चाहते हैं, सत्ता या राजनीति में सफल होना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। shivago.com पे वैसे तो आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑथेंटिक, जेन्यून, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई आपको कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। देखिए, यदि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और अपने कार्यों को तीव्रता से करना चाहते हैं, शासन प्रशासन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, आप युवा नेता हैं या गहरे राजनीतिज्ञ हैं और अपने क्षेत्र के मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको बारह मुखी रुद्राक्ष है। देखिए, कोई भी रुद्राक्ष हो, हमारे omja.com पे या shivago.com पे आपको ये जेन्यून, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड ही मिलेगा। साइज़ भी बहुत मायने रखता है, मैं आपको बता दूं, कोई भी आप रुद्राक्ष लीजिए। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें आप सात मुखी भी धारण कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही रुद्राक्ष हैं, दोनों ही सात मुखी है, पर दोनों के साइज़ में डिफरेंस है। ये देखिए, ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा है, तो साइज़ बहुत मायने रखता है। साइज़ हमेशा, ऑलवेज गो फॉर अ बिग वन। जो रुद्राक्ष बड़ा हो आप वही धारण कीजिए, वजन भी मायने रखता है। एनीवेज, बड़ा होगा तो थोड़ा वजन तो होता ही है, पर कभी कभी क्या होता है, बड़ा है पर वजन कम हो जाता है, तो बारह मुखी या फिर सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बारह मुखी और सात मुखी के बारे में हम आपको थोड़ा सा रफली बताएंगे भी कि भाई इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सात मुखी हो या बारह मुखी हो, आपको हमारे साइट पे सारी चीज़ें जेन्यून, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड ही मिलने वाला है। क्या सस्ता रुद्राक्ष है, सात मुखी ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इसलिए हम इसका एक्सरे रिपोर्ट जनरली नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो भी महंगा ही पड़ जाता है। तो चलिए, इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही। तो भाई, अपने क्षेत्र के मुकाम को हासिल करने के लिए बारह मुखी या सात मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की कीर्ति, यश, सूर्य के समान चमकने लगता है और इसे धारण करने से वाणी में चातुर्य आता है। तो जिस फील्ड से आप जुड़े हैं वहाँ पर बोलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संबोधन में आकर्षण पैदा होता है और आप अपनी गहरी छाप सब पर छोड़ते हैं। तो इन शॉर्ट, हम पहले बारह मुखी के बारे में हम आपको बता दें कि भाई बारह मुखी क्या फ़ायदे होते हैं। मैं छोटे में ही बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। देखिए, कहते हैं कि बारह मुखी पहनने वाले को 108 गायों के दान के बराबर शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और क्या चाहिए? जो लोग शर्मीले हैं, डरपोक हैं या डरे हुए होते हैं, वो जब इसे पहनते हैं तो आप निडर हो जाते हो और आपको किसी भी तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। यह पिछले पापों को ख़त्म करने में मदद करता है। तो बारह मुखी का ज़बरदस्त असर होता है। बारह मुखी रुद्राक्ष लोगों के मन से संदेह को दूर करने और जीवन में अस्पष्टता लाने में मदद करता है। यह दिशात्मक मुद्दों वाले लोगों को ध्यान केंद्रित करने और सही रास्ता चुनने में मदद करता है। पहनने वाले को निरोगी बनाने में मदद करता है। धन, खुशी, लीडिंग कैपेसिटी सब चीज़ें देता है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा से बचाता है। निडर और परेशानी मुक्त बना देता है। नेतृत्व के गुणों को ये विकसित करना शुरू कर देता है बारह मुखी, और व्यक्ति की आंतरिक आत्मा को मजबूत करता है। और हेल्थ वाइज तो खैर अभी इस वीडियो में बताने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम जिस मकसद पे बात करें, बेनिफिट बहुत सारे हैं। अब हम बात करते हैं सात मुखी। देखिए, सात मुखी जो रुद्राक्ष है, सात नंबर को अंक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली अंक माना जाता है। और जब कोई सात मुखी पहनता है, तो फिर वो कला में निपुण बनता है और उसे सौंदर्य, सुख और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। सात मुखी को स्वामी ग्रह शुक्र देवता होते हैं, शनि को भी माना जाता है और शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं, इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से शुक्र से संबंधित बहुत सारे जो दुष्प्रभाव है वो दूर होते हैं।
व्यापारियों, नौकरी पेशा, वक्ता और लेखकों को यह रुद्राक्ष सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है। और जो नेता, अभिनेता जो बनना चाहते हैं, इसके जो लाभ हैं वो भी अनगिनत हैं। इसके लाभ मतलब समझ लीजिए, जब लक्ष्मी का ही प्रतीक हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी आ गई। आज के डेट में देखा जाए तो लक्ष्मी ही सर्वश्रेष्ठ है। तो सात मुखी से जीवन जो है बड़ा ही आसानी से बीतना शुरू हो जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। मारक ग्रह की दशा होने पर इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है और ये रक्षा कवच की तरह कार्य करता है और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति करता है। ये रुद्राक्ष शरीर की सप्त धातुओं की रक्षा करता है और मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त करता है। तो भाई इतना भाग दौड़ समाज सेवा करोगे तो मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है ही है। और ये रुद्राक्ष पुनर्जन्म के पापों को भी दूर करता है। लक्ष्मी, शनि, शुक्र का प्रतीक मानते हैं सात मुखी रुद्राक्ष को। तो सात मुखी रुद्राक्ष और बारह मुखी रुद्राक्ष आपको ज़रूर पहनना चाहिए यदि आप समाज सेवा, शासन प्रशासन, सत्ता या राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।